नमस्कार। हजारों सालों से गीता को निर्णय और विवेक का एक मैनुअल माना जाता है, लेकिन इस पुस्तक की रचना में एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि गीता का पहला अध्याय है विषाद योग, यानी कि योगा ऑफ डिजेक्शन या दुख का योग। इसका मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी महाभारत जीतने से पहले आप अत्यंत निराशा के क्षणों से गुजरेंगे, इसलिए पहले अध्याय का नाम ही विषाद योग रख दिया। चाहे अर्जुन है, जीसस क्राइस्ट है, महाराणा प्रताप है, सुकरात है या प्रेमचंद है, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे अत्यंत विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं। अब आप कहेंगे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी भी विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरते। बिल्कुल, देखिए एक खेल के तीन हिस्से होते हैं। खेल में खिलाड़ी होता है, कोच होता है यानी अंपायर, और दर्शक होते हैं। खिलाड़ी के लिए खेल चुनौतीपूर्ण है, उसके लिए हार जीत का सवाल होता है, लेकिन जो दर्शक है उसके लिए कोई चुनौती नहीं है, उसे तालियां बजानी है कोई भी जीते, यानी वो हर हाल में सुरक्षित है। और इसी तरह से अंपायर के लिए भी कोई खतरा नहीं है, कोई भी जीते उसकी दिहाड़ी पक्की है। लेकिन एक बात याद रखिए, न तो अंपायर को दुनिया याद करती है, न ही दर्शकों को याद रखा जाता है, और न ही हारने वालों को याद रखा जाता है। जीवन में इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हैं। और जीतने से पहले, जैसा कि गीता में हम देखते हैं कि एक ऐसा समय आता है जब चारों तरफ से स्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाती हैं, और यही वो स्थान होता है, वो क्षण होता है जहां से ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया को बेहतर नहीं बनाते, वो हारने वालों की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निराशा के क्षणों में भी अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपना काम करना नहीं छोड़ते, वे ही इतिहास लिखते हैं। कैरोली तुकाचे हंगेरी के एक शूटर हुए हैं जिन्होंने ओलंपिक भी जीता। इनका नाम है KAROLY TAKACS, तो ऐसा लगता है कैरोली टकैक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन हंगेरियन में इसको तुकाची बोला जाता है। कैरोली तुकाची हंगेरी की फौज में थे और बहुत बढ़िया शूटर थे। उनका मन था कि वो देश की तरफ से ओलंपिक खेल खेलें। 1936 में उनका नाम भेजा ही जाना था, लेकिन वहां पर एक नियम आड़े आ गया। नियम ये था कि उस टाइम शूटिंग में, ओलंपिक शूटिंग में, केवल कमीशन्ड ऑफिसर ही भाग ले सकते थे, और कैरोली तुकाची एक सिपाही था इसलिए वो भाग नहीं ले सकता था। बाद में इस बात की बहुत आलोचना हुई और हंगेरी की सरकार ने इस नियम को बदल दिया। तुकाची ने फिर से तैयारी शुरू कर दी 1940 के ओलंपिक के लिए, लेकिन 1938 में एक हादसा हो गया उनके साथ। उनके हाथ में, दाहिने हाथ में एक ग्रेनेड फट गया, और ग्रेनेड फटने से वो हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। अब वो शूटिंग नहीं कर सकते थे, लोगों ने उनसे उम्मीद भी छोड़ दी और उनकी चर्चा करना भी बंद कर दी, लेकिन तुकाची ने उम्मीद छोड़ी नहीं थी। उन्होंने गुप्त रूप से उल्टे हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, और वो सबके सामने करते तो मजाक उड़ता। और 1938 के जो नेशनल गेम्स हुए हंगेरी में, उसमें चैंपियनशिप जीत करके सबको हैरान कर दिया। उनकी कहानियां किससे सब जगह सुनाए जाने लगे। लेकिन क्या हुआ कि अब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है,
तो 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया, तो उनकी जो सारी तैयारी और उत्साह था वो धरा रह गया। खैर अब भी उन्होंने अपनी शूटिंग का अभ्यास जारी रखा। इसके बाद क्या होता है कि 1944 के ओलंपिक भी कैंसिल हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तैयारी रखी। वही इतने लंबे समय तक उत्साह को बनाए रखना जरा मुश्किल होता है, लेकिन जो मुश्किलों का सामना करते हैं वही विजेता बनते हैं। हुआ ये कि 1948 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता कैरोली तकाची ने, और बाद में हेलसिंकी में 1952 में भी गोल्ड मेडल जीता। जब आप एक संकड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं और हर चीज आपके खिलाफ हो जाती है, जब ऐसा लगता है जैसे आप एक मिनट भी टिक नहीं पाएंगे, तब कभी हार न माने। यही वो जगह है जहां से हालात बदल जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। समुद्र में ज्वार उस समय पनपता है जब वह अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। विलक्षण प्रतिभा केवल निरंतर प्रयास करने की शक्ति है, इसके अलावा जीनियस कुछ नहीं होता। असफलता और सफलता के बीच की रेखा इतनी बारीक है कि हम इससे गुजरते समय शायद ही कभी जान पाते हैं। हम अक्सर लाइन के ठीक ऊपर होते हैं और इसे पहचान नहीं पाते हैं। कितने लोग हाथ खड़े कर देते हैं जब थोड़ा सा अधिक प्रयास और थोड़ा सा अधिक धैर्य उन्हें सफलता तक पहुंचा देता। व्यापार में कभी कभी संभावनाएं सबसे अधिक अंधेरी लग सकती हैं जब वास्तव में वे मोड़ पर होती हैं, लेकिन थोड़ी सी दृढ़ता, थोड़ा सा और प्रयास इस हालात को शानदार सफलता में बदल सकता है। सफलता एक की तरह से आती है कोशिश छोड़ देने से, इसके अलावा कोई असफलता नहीं होती। हार हमेशा अंदर से आती है। वास्तव में हमारी संकल्प की कमजोरी के अतिरिक्त जीवन में कोई बाधा नहीं है। किसी भी प्रकार की शिक्षा का सबसे मूल्यवान सबक यह है कि जो काम करने योग्य है, सफल लोग उसे कठिनाइयों के बावजूद भी बीच में नहीं छोड़ते हैं, और ऐसे ही लोग इतिहास बनाया करते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।